हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, आज हम आपको उन फूलों के नाम बताएंगे जिनको कि आप बल्ब से ग्रो कर सकते हो। बल्ब जो है अभी भी आप लगा सकते हो। इसमें जो है फूल जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक आराम से आएंगे और फूल सभी बहुत सुंदर हैं और सभी बहुत ही हार्डी बल्ब्स हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी आप ख़रीद के ला सकते हो और तुरंत ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो ये रेन लिली जो बहुत कॉमन है, जिसे कि ज़िफिरेंथस भी कहते हैं, ये जो है मेनली तीन कलर में दिखता है, पिंक में, वाइट में और येलो में। आते और भी कलर्स हैं लेकिन ये तीन में बहुत कॉमन है। ये काफ़ी हार्डी है। अगर आपने इसको इस सीज़न लगा दिया तो 2-3 साल बाद ये काफ़ी जगह अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड नंबर में ये क्रीमियम लिली है। क्रीमियम लिली की ये छोटी सी ये आप कलियां देख रहे हो, ये जो है इससे बल्ब से एक जो स्टॉक निकलती है उसमें 4 फूल एक साथ रहते हैं। ये फूल जो हैं ये कई दिन तक टिके रहते हैं ऐसे ही, और कई बार जो होता है एक बल्ब से दो बार भी स्टॉक निकल आते हैं। इनसे जो है बहुत अच्छी सी हल्की हल्की सी स्मेल आती रहती है। ये जो है रजनीगंधा है, जिसे कि ट्यूबर रोज़ भी कहते हैं। ये जो है सिंगल पेटल वाला में भी आता है और डबल पेटल में भी आते हैं। इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको जो है आप बल्ब से लगाइए, लेकिन सीज़न ऑफ होने पर बल्ब इसकी निकाल के रख लें तो ज़्यादा बेटर है। ये जो है ये स्पाइडर लिली है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये बल्ब इसकी बहुत हार्डी है, जल्दी ख़त्म नहीं होती है, और अगर आपने इसको ग्राउंड में एक दो बल्ब लगा दी तो ये कुछ साल में सब जगह फैल जाता है। ये जो है बॉल लिली है, जिसे फुटबॉल लिली भी कहते हैं। ये जो बल्ब थी हमारी एक बार कीड़ों ने खा लिया था, हमने उसको फेंका नहीं, उसके बेबीज़ जो थे इसी में छोड़ दिए थे हमने। आज उन्हीं बेबीज़ में से देखे कली निकल रही है और फूल निकलेगा उसमें। तो ये जो है कभी बल्ब ख़राब हो जाए तो आप फेंकना नहीं, 3 साल बाद मैच्योर हो जाती हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है एमरेलिस लिली। एमरेलिस लिली जो है ये फरवरी मार्च में भी फ्लावरिंग कर सकता है, और अगर तब नहीं करा है तो इस समय रेनी सीजन में भी करता है। ये भी अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है। इसके बाद आएगा नरगिस, जिसे कि नरगिस हाँ ये वाला आएगा। ये जो है वाइट कलर में भी आता है, और जो बीच वाला गोल दिख रहा है ये उसमें जो है ऐसे येलो कलर में ही रहता है। एक फ्रेंड्स आपको ये हम और दिखाते हैं, ये सरप्राइज़ है। ये ग्लैडुलस की बल्ब है मेरी। इसमें से देखिए स्टॉक निकल रहा है। अगर बरसात में अभी मौसम ठंडा हो जाएगा तो शायद ये स्टॉक निकल करके बड़ी आ जाएगी। पहले तो उसको मैं कली समझ रही थी, लेकिन बाद में मुझे टच करा मैंने पास से तो लगा कि नहीं, फ्लावर का स्टॉक निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।